विधायक पार्षदगण, पार्टी के पदाधिकारी और आज इस विशाल सम्मेलन में आए हुए प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो एक बार तिथि तय हुई थी और मैं नहीं आ पाया था, इसके लिए आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं, मगर आज मिलकर बहुत आनंद हो रहा है। ये मीडिया के मित्र जरा सेट करके नीचे बैठ जाए, भैया कैमरा सेट करके नीचे बैठ जाओ, मैं हिलूड उलूंगा नहीं, यही खड़ा रहकर बोलूंगा, बैठ जाओ जरा, प्लीज बैठ जाइए, पीछे कार्यकर्ताओं के साथ नजर मिले, बैठ जाइए भैया प्लीज, धन्यवाद। मित्रों, तीन दिन से मेरा तेलंगाना का दौरा चल रहा है। मुझे ऐसा लगता था कि गर्मी बहुत है तो पारा और नहीं चढ़ेगा, मगर आज दोपहर के बाद लगता है पारा और गर्म हो गया है। ये मेरा जो दौरा है वो दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी के तहत भारतीय जनता पार्टी के विस्तार योजना के तहत, दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मशती का साल चल रहा है, इस वर्ष के अंदर, ए भाई ए, बैठ जाओ भाई बैठ जाओ, इस साल के अंदर दीनदयाल उपाध्याय विस्तारक योजना चल रही है। विस्तारक योजना के तहत देश भर में 4 लाख कार्यकर्ता 15 दिन, 6 महीना और 1 साल के लिए भारतीय जनता पार्टी के काम करने के लिए निकलने वाले हैं मित्रों। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं भी 15 दिन के लिए विस्तारक निकलकर आज 3 दिन तेलंगाना के 3 गांवों में जाकर आया हूं। ये 4 लाख विस्तारक जो निकलने वाले हैं वो देश भर के 8.5 लाख बूथों के अंदर जाकर भारतीय जनता पार्टी के विस्तार का काम करेंगे। वो दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन के बारे में देश की जनता को बताने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों के बारे में जाकर बताने वाले हैं और नरेंद्र मोदी सरकार के 3 साल के कामकाज के लिए भी जाकर घर घर जाकर बताने वाले हैं। मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, ये दीनदयाल उपाध्याय विस्तारक योजना आजादी के बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने जो जनसंपर्क की योजना हाथ में ली हो, इसमें सबसे बड़ी और सफल योजना बनने जा रही है। मित्रों, आप कल्पना कर सकते हैं, 8 लाख से ज्यादा बूथों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर प्रचार करेंगे, मोदी जी के कामकाज को लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। और मित्रों, इसी कारण है कि हमारे विरोधियों का बीपी थोड़ा बढ़ने लगा है, उनको चिंता होती है, मगर मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, ये दीनदयाल उपाध्याय विस्तारक योजना किसी को डराने के लिए नहीं है, किसी को हराने के लिए नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी को हर बूथ में मजबूत पार्टी बनाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय विस्तार है। भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को देखिए मित्रों, 1950 से लेकर 2017 तक जो जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की हमारी यात्रा निकली है, वो यात्रा विचारधारा के विस्तार की यात्रा है। हमारी पार्टी की स्थापना भी विचारधारा के लिए हुई थी, जनता पार्टी में हमारा मर्जर भी देश हित के लिए हुआ था और जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी भी
विचारधारा के कारण बनी थी और आज इसी का नतीजा है कि 10 सदस्यों से जो भारतीय जनसंघ के रूप में शुरू हुई थी पॉलिटिकल पार्टी, आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी 11 करोड़ सदस्य वाली पार्टी बनकर दुनिया के सामने। एक जमाना था जब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को दूरबीन लेकर ढूंढना पड़ता था, कहां है भाई, कोई चुनकर आया है क्या। आज 1387 विधायक भारतीय जनता पार्टी के देश में चुनकर आए हैं। मित्रों, अभी अभी तेलंगाना में भी बहुत सारे अखबार इधर उधर मुझे पूछ रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी सरकार ने तेलंगाना के लिए क्या करा वो बताओ। मैंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया था, मगर आज फिर से कंफ्यूजन हो गया है और मुझे कहा गया है कि मेरे जाने से पहले मैं इसकी स्पष्टता करूं। तो स्पष्टता कर देनी चाहिए या नहीं कर देनी चाहिए बताओ भाई, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो पूरी तेलंगाना की जनता इस मीडिया के माध्यम से सुन ले, नरेंद्र मोदी सरकार ने 3 साल में क्या किया है। जब कांग्रेस की सरकार थी और 13वां वित्त आयोग 13th फाइनेंस कमीशन चल रहा था, तो 5 साल की ग्रांट क्या मिलती थी मैं बताता हूं। शेयर इन सेंट्रल टैक्स केंद्रीय करों में तेलंगाना का हिस्सा था 9,795 करोड़। बोलिए जरा जोर से, कितना था। नरेंद्र मोदी सरकार ने 14वें वित्त आयोग में किया 96,706 करोड़ रुपया, 10 गुना बढ़ोतरी केंद्रीय कर के हिस्सेदारी में तेलंगाना की भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। मित्रों, ग्रांटिनेड के लिए 2110 करोड़ रुपया दिया जाता था। कितना दिया जाता था बोलिए मित्रों, जोर से बोलिए जरा। अब ग्रांटिनेड के तहत 99,900 करोड़ रुपया, 9,900 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है। लोकल बॉडी ग्रांट के लिए 249 करोड़ रुपया दिया जाता था। कितना दिया जाता था भाई, वो 249 करोड़ को बढ़ाकर 14वें वित्त आयोग के अंदर 8,764 करोड़ देने का काम ये भारतीय जनता। मित्रों, कल मैंने कहा था, उस पर मैं डटा रहा हूं, नरेंद्र मोदी सरकार ने 1,00,000 करोड़ से ज्यादा रुपए की सहायता तेलंगाना की जनता को की है। ये बात सही है कि हम कोई तेलंगाना पर उपकार नहीं कर रहे हैं, ये तेलंगाना की जनता का अधिकार है। तेलंगाना की जनता का भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार पर अधिकार है और नरेंद्र मोदी सरकार का फर्ज है कि तेलंगाना का विकास करना। मगर जब पहले कांग्रेस की सरकारें थी तब क्या देती थी और हम क्या दे रहे हैं वो तो हमें बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए भाई बताओ, तेलंगाना की जनता को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। तो मैं तो विनम्रता से यही बता रहा हूं कि हमने 1,00,000 करोड़ रुपया ज्यादा देने का काम किया है। आप लोग घर घर जाकर बताएंगे। देखो, आधा अधूरा न बताना। इसके अलावा भी बहुत सारा काम हुआ है। तेलंगाना को एम्स देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, आदिवासी यूनिवर्सिटी देने का काम किया, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी देने का काम किया, जयशंकर तेलंगाना एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी देने का काम किया, पीवी नरसिम्हा राव वेटरनिटी साइंस की यूनिवर्सिटी देने का काम किया, शिक्षा के सुधार के लिए 1,800 करोड़ रुपया अलग से दिया, 40,800 करोड़ के, मैं फिर से रिपीट करता हूं, 40,800 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट सिर्फ दिए। कितने के दिए है भैया, अब किसी को सूची जाननी है कहां है, दिखाई नहीं देता ऐसा कहते हैं, तो मैं सूची जरा जोर आवाज से पढ़ देता हूं। पढ़ दो, याद रखिएगा। हां, हैदराबाद बेंगलोर राजमार्ग,
हैदराबाद विजयवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग, यादागिरी वारंगल फोरलेन रोड, महिलाओं और बाल विकास के लिए 1055 करोड़, मिड डे मील के लिए 116 करोड़ ज्यादा, स्वास्थ्य और पोषण के लिए 1000 करोड़ ज्यादा और अलग अलग योजनाओं के लिए 12000 करोड़ रुपया की सूची मैं लेकर आया हूं मित्रों, क्योंकि मुझे मालूम था कि मुझे पूछा जाएगा, इसलिए मैं लेकर आया हूं मित्रों। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तेलंगाना की जनता ने हमें सांसद दिया नहीं दिया, ज्यादा सांसद दिए नहीं दिए, हम वो सोचने वाले नहीं है। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास में मानती है। और मित्रों, जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार चल रही है, मैं हर एक राज्य का दौरा कर रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद महाराष्ट्र में इलेक्शन आया, किसकी सरकार बनी जरा जोर से बोलिए, किसकी बनी? हरियाणा में आया, किसकी बनी? झारखंड में आया, किसकी बनी? जम्मू कश्मीर में आया, किसकी बनी? असम में आया, किसकी बनी? उत्तराखंड में चुनाव आया, किसकी बनी? उत्तर प्रदेश में आसर चुनाव आया, किसकी बनी? गोवा में चुनाव आया, किसकी बनी? मणिपुर में चुनाव आया, किसकी बनी? तेलंगाना में आएगा, किसकी बनेगी? मित्रों, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज पूरे देश भर में विस्तार करें। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, मगर हमारी पार्टी को बढ़ाने का हमारा अधिकार है, ये बात सबने याद रखनी चाहिए। आप मुझे बताइए, ये सारा विजय जो मिलता है, बिहार में भी मत प्रतिशत मिला भले हार गए, दिल्ली में भी मत प्रतिशत बढ़ा, केरल में बढ़ा, बंगाल में बढ़ा, ओडिशा में बढ़ा, त्रिपुरा में बढ़ा, वो नरेंद्र मोदी जी के अकेले के कारण बढ़ रहा है क्या? देश के करोड़ों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के कारण। आप मुझे बताइए, हम मानते हैं कि दक्षिण के सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी मजबूत होनी चाहिए, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी मजबूत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मित्रों, पार्टी वैसे मजबूत नहीं होगी। तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को मीडिया के माध्यम से और हैदराबाद के सम्मेलन के कार्यकर्ताओं के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, परिश्रम की पराकाष्ठा करिए, घर घर में जाकर नरेंद्र मोदी का संदेश पहुंचाइए और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करिए। करेंगे क्या आप? ऐसे नहीं भेजा, जोर से बोलिए, करेंगे? पीछे वाले नहीं बोल रहे, करेंगे? पक्का? मोदी जी को बता दूं मैं तो मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठाकर मुट्ठी भींचकर विजय के संकल्प के साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।